नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 13 फरवरी के सुबह 11 बजे से जय दोस्तों यश में से ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, ग्रहों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे जिनके कारण आपका शुभ समय शुरू होने वाले हैं। जय दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो समय होंगे रविवार का दिन होगा और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में इसमें बड़े चमत्कार होने वाले हैं। यश में आपके जीवन से जुड़ी जो भी संकट है समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव अपने भक्तों के लिए हमेशा उनके जीवन में नई खुशियों के आगमन कराते हैं। लेकिन दोस्तों आपको साथ ही साथ बता दें, अगर आपने पिछले समय कोई भी गलती की है तो दोस्तों उनका प्रायश्चित करने के लिए भी आपको भगवान सूर्यदेव को सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्य को जो है जल जरूर अर्पित करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से और जो ग्रहों की चाल होंगी बहुत ही शुभ रहने वाली है और आपके बहुत सारे इसमें कार्य भी बनने वाले हैं। बहुत से क्षेत्रों में आपको खुशखबरियों की भी प्राप्ति होंगी, बहुत सारे लाभ इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जय दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो ग्रहों की जो स्थिति होगी भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे में दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि इन समय अंतराल में जो ग्रहों की स्थिति होगी इन्हें देखकर आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान भी रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से इसमें आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है, घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्यदेव लिखेगा, गुरु जी का और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यशो में पिछले कुछ असफलताओं से सीख लेकर आप अपने कार्यों को और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। आपकी कोई खोई हुई प्रिय वस्तु के मिलने या फिर कोई मन मुताबिक काम बन जाने से बहुत अधिक प्रसन्नता भी आपको मिलने वाली है। इससे दोस्तों आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने ऊपर काम का बोझ अधिक ना लें, जिससे कार्यभार पूरा न होने की वजह से आपको पछताना पड़े। बेहतर होगा कि दिन की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की रूपरेखा बना लें तथा अपनी बनाई नीतियों पर ही अपना ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि केवल पेशों की तरफ ध्यान होने के कारण आप रिश्तों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप पर बढ़ते आर्थिक तनाव का असर आपकी सेहत पर भी यश में दिखेगा। लोगों के साथ किए हुए पेशे से संबंधित व्यवहार की चर्चा ठीक से करनी होगी, वरना संबंध आप हमेशा के लिए बिगाड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने उत्तम व फिर संतुलित व्यवहार द्वारा सबका मन भी मोह लेंगे। विद्यार्थियों को भी इंटरव्यू अथवा करियर संबंधी परीक्षा में उचित सफलता मिलने की संभावना बन रही है। किसी गुरुतुल्य व्यक्ति से मुलाकात आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित करेगा। इसके साथ दोस्तों यश में अपने मित्रों के साथ अधिक संपर्क में ना रहें तथा अपने किसी निजी कामों पर आपको ध्यान देना चाहिए। किसी किसी समय आलस्य व फिर लापरवाही की वजह से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी खो सकते हैं, इस बात का भी यश में आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए व्यायाम योगा आप अवश्य करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि आपको आपके आसपास के वातावरण में बदलाव लाने के लिए जिन चीज़ों को आपने जो है काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है ऐसे वस्तुओं का दान करें या फिर घर से निकाल दें। दोस्तों अधिक देर तक बंद वातावरण में रहने के कारण आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी कम हो रही है, इस बात का ध्यान दें, जिसके कारण मन की चंचलता व फिर अस्वस्थता महसूस होगी। आपको खुली हवा में जाकर कुछ समय अवश्य बिताएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आप जिस कार्य को करने के लिए प्रयास कर रहे थे दोस्तों ये जो समय है उसका सुफल आपको प्राप्त होगा। इसे दोस्तों आप दोपहर के बाद परिस्थितियां जो है आपके लिए अनुकूल रहेंगी और किसी नवीन वस्तु अथवा आभूषण खरीदने की योजना भी इनसे बना सकते हैं। मित्रों व फिर रिश्तेदारों से संबंध भी यश में मधुर बने रहेंगे, परंतु दोस्तों कल्पना में योजनाएं ना बनाकर हकीकत में भी उन्हें क्रियान्वित करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। बच्चों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक समझें और सुलझाने का प्रयास करें। यश में अधिकतर समय घर के बाहर ही
यश में अधिकतर समय घर के बाहर ही व्यतीत करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके ऊपर बड़े तनाव अचानक से ही कम होंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्थिर भी महसूस करेंगे। फिर भी दोस्तों अपना वक्त अधिक जाया ना करते हुए अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से किसी कार्य के प्रति चल रही आपकी मेहनत व फिर परिश्रम का उचित परिणाम यश में मिलने वाले हैं। और दोस्तों यश समय आप काफ़ी हद तक सुकून भरा महसूस करेंगे और कोई खोई हुई प्रतिष्ठा दोबारा भी आपको वापस मिल सकती है। दोस्तों इनसे आपका मन प्रसन्न रहेगा और साथ ही आपका आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने वाली है। आपको बता दें कि आपकी कोई नकारात्मक बात किसी को आहत कर सकती है, तो दोस्तों यश में अपने शब्दों का चयन जो है बहुत ही सोच समझकर करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवहार करते समय जो है दस्तावेज को ठीक से जाँच लें। करीबी रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ाने की वजह से परिवार के साथ रिश्ता सुधरने भी लगेगा। आपको बता दें कि आपके अंदर अकेलापन को कम करने की आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों लोगों के साथ वक्त बिताने की आप कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय की विस्तार संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उत्तम समय होगा तथा दोस्तों सकारात्मक परिणाम भी इससे आपको प्राप्त होंगे। परंतु किसी पर भी विश्वास ना करें, किसी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें। नौकरी में परिस्थितियां जो है अनुकूल ही आपके लिए बनी रहेंगी, बशर्ते इन चीज़ों से लेकर आपको सावधान रहना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यवसाय संबंधी नए आयाम भी बनेंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार करके ही योजनाएँ बनाएं और उन्हें क्रियान्वित करें। नौकरी पेशा लोग जो है यश में सचेत रहें, किसी गलती की वजह से अधिकारी वर्ग से जो है डांट सुनना पड़ सकता है। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि नौकरी तथा व्यवसाय में अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे, अनुकूलता बनी रहेगी तथा उचित अवसर भी आपको इनसे प्राप्त होंगे। आय के नए स्रोत भी यश में खुलेंगे। वर्तमान ग्रह स्थितियां आपके लिए नवीन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करेंगी। किसी ऑफिशियल यात्रा के ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके व्यवसाय गतिविधियां उत्तम तरीके से पूरी भी होंगी, लेकिन किसी का हस्तक्षेप आपके कार्यों में रुकावट डाल सकता है, तो दोस्तों इन बातों को लेकर यश में आपको सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। बेहतर होगा कि अपनी कार्य प्रणाली किसी से साथ शेयर ना करें। कर्मचारियों के सहयोग से भी आपके काम जो है मन मुताबिक तरीके से संपन्न हो जाएंगे, तो दोस्तों यश में कर्मचारियों का सहयोग आप ले सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ की अगर बात करें, तो दोस्तों यश में पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। विपरीत लिंगी मित्रों के साथ व्यवहार करते समय मर्यादा का भी अवश्य ध्यान रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि प्रेम संबंधों पर पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण तथा सहयोग परिवारजनों को सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक वातावरण भी सुखद रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं भी रह सकती है, उन्हें उचित इलाज करना यश में जरूरी होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें घर परिवार पर अधिक समय न दे पाने की वजह से मन उदास रहेगा, परंतु घर का वातावरण उत्तम और संतुलित बना रहेगा, तो दोस्तों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है, नियमित जाँच करवाएं तथा अपना उचित ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश में अगर आप सावधानी को रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। पेट संबंधी परेशानी भी हो सकती है, आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करना आपके स्वास्थ्य को यश में ठीक रखेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें नजला जुकाम जैसी परेशानी भी रह सकती है। ठंड अथवा पोल्यूशन वाली चीज़ों से बचाकर अपने स्वास्थ्य को रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अगर स्वास्थ्य को लेकर आप सावधान रहेंगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे तथा आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा।